तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा जी और सोनी मर्जर को लेकर ही एक छोटा सा अपडेट है, सो उसी को लेकर आज का वीडियो रहने वाला है। सो बने रहे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, सोनी नेटवर्क यानी कि सोनी का नाम चेंज होके हो चुका है कलवर मैक्स इंटरटेनमेंट। तो जी और कलवर मैक्स इंटरटेनमेंट का जो है मर्जर होने वाला था। ऑलमोस्ट अब 99.9% शेयर होल्डर्स तैयार हो चुके हैं इस विलय को लेकर। सोनी जी और सोनी का मिलन होना अब 99.99% कन्फर्म हो चुका है, बिकॉज सारे शेयर होल्डर्स अब रेडी हो चुके हैं। जी के शेयर होल्डर्स तैयार हैं। जी इंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर का रास्ता अब साफ हो गया है, जो कि जी के शेयर होल्डर्स ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले इन्वेस्टको था और फिर भी बीच में और भी कुछ चीज़ें आई थी जिसे जी और सोनी के मर्जर में अड़ंगा लग रहा था, लेकिन अपडेट अब यह है दोस्तों, जी और सोनी के मर्जर के लिए 99.9% जो है रास्ता साफ हो चुका है। जी के जितने स्टेक पर्सन थे, शेयर होल्डर्स थे, वो सभी के सभी रेडी हो चुके हैं। अब ये मर्जर होना लगभग तय माना जा रहा है। तो शुक्रवार को बैठक हुई थी, ईजीएम बैठक हुई थी, जिसमें कंपनी ने कहा है कि शुक्रवार को ईजीएम जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें 99% जो है शेयर होल्डर्स प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, जिसके बाद अब मर्ज होना कंफर्म हो चुका है। कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के आदेश पर यह बैठक बुलाई थी। जी ने यह कहा है कि यह मर्जर की प्रक्रिया पूरी तरफ एक तरफ है और मजबूत तथा सकारात्मक है। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि जी और सोनी के मर्जर को अब 100% समझिए होना कंफर्म हो चुका है, क्योंकि शेयर को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे जिस वजह से मर्जर में अड़ंगा आ रहा था, लेकिन अब 99.9% लोगों ने वोट दे दिया है मर्जर के साथ में, तो जिस वजह से मर्जर अब कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। सो बहुत लोग के मन में भी अब सवाल आता है कि सर, जब जी और सोनी का मर्जर होगा तो क्या बुके एक हो जाएगा या एक ही बुके में सारे चैनल्स मिलेंगे? ये तो जी और सोनी के मर्जर के जो चीज़ें हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको आने वाले एक साल के बाद ही अगर एक में बुके में अगर चैनल होने भी होंगे तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है, और तो अभी लग सकता है समय। सो अभी बुके का एक में मिलन होना अभी चांसेस नहीं लग रहा है, बट दोनों कंपनी एक साथ मिलके सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये अब कंफर्म हो चुका है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, वो भी सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।